नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। बरनहाल विकास खंड के गांव केशवपुर में विद्यालय परिषद में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। बरनहाल विकास खंड क्षेत्र के आर्या अकेडमी केशवपुर में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसका शुभारम्भ विद्यालय के प्रबंधक उमेश द्विवेदी ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत पेश किया गया तथा विद्यालय में बच्चों के स्वरोजगार योजना के अंतर्गत खाने पीने की दुकानें लगाई गईं, जिसमें बच्चे ही दुकानदार थे और बच्चे ही खरीदार थे। कुछ बच्चों ने साइंस के प्रोजेक्ट तैयार किए, साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं को दिखाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को चौमुखी विकास के समय समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को होना भी आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आर्य द्विवेदी। कौन सा विद्यालय है आपका? आर्य अकेडमी, आर्य अकेडमी केशमपुर बरनाल। आपके विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, आपको इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यही सीख मिलती है कि अगर जैसे मुझे आगे फील्ड में साइंस के फील्ड में जाना है या फिर साइंटिस्ट बनना है या फिर ये क्या है कि इससे अपने दिमाग का तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है हमारी, और साइंस के फील्ड में जाना तो थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है। इससे थोड़ा ना कि जो हमारा माइंड है उसका डेवलपमेंट भी होता है। तो ये छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, हमारी जो आगे आने वाला जो फ्यूचर होता है उसमें भी काम में आते हैं। आपका? उमेश कुमार द्विवेदी। आप विद्यालय किस पद पे हैं? मैं प्रबंधक हूं विद्यालय में, आर्य अकेडमी। अच्छा, आपकी विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा इनके बच्चों का माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए, एक तो हमने साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जो हम पढ़ाते हैं उसी तरीके को प्रैक्टिकल रूप में बनवाए हैं। दूसरा जो स्वरोजगार के अंतर्गत जिस तरह से एक एग्जाम्पल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत में, तो कोई भी अपना छोटा सा काम करके कर सकते हैं। तो उसके लिए खाने पीने की बच्चों ने स्वयं बना के स्टॉल भी लगाई हैं। इधर थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है 26 जनवरी को देखते हुए, तो इसमें इनके कलाकार